इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बना। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और इसकी ओपनिंग बैक साइड में, तो देखिए ये हमारा अस्तर है, ये ब्लाउज है। और देखिए डिजाइन देने के लिए मैंने कुछ येलो कलर का कपड़ा लिया है और गोल्डन लेस ली है। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच ली है मैंने और ये हमारा 36 साइज का 11 इंच लिया है। जब तैयार करेंगे तो ये 9 इंच आएगा, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मुड्डे मैंने 6.5 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर मैंने 6.5 इंच लिया है। और अभी डिजाइन ड्रॉ करेंगे तो ये डीप नेक में रहेगा, जैसे मैंने बताया इसकी ओपनिंग बैक साइड में रहेगी। तो देखिए हम यहाँ से 4 इंच ले रहे हैं शोल्डर से और ये डिजाइन जो हमारी नीचे तक आएगी, तो हम नीचे तक इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके का हमने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी ऊपर का जो नेक है बोट नेक वो ले लेते हैं। तो देखिए 3.5 इंच ले लें और यहाँ पे भी बॉक्स बना देते हैं। अभी ऊपर के नेक की गुलाई दे देते हैं। तो देखिए 1.5 इंच में क्रॉस में मार्क टेप को रख लें, मार्किंग कर लें और सेम नेक ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरीके का ये ऊपर का ड्राफ्ट है। अभी हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हैं। तो देखिए 2 इंच का यहाँ पर इस तरीके का एक मार्किंग कर लें और इसको भी इसी तरह से एक बॉक्स बना। तो देखिए ये ऊपर का नेक रहेगा, ये हमारा पट्टी रहेगा जो कि यहाँ पे हमारे हुक्स आएंगे और नीचे हम अभी नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये बॉक्स बन चुका है, अभी नेक ड्रॉ करेंगे तो इसमें पैच आने वाला है। तो जैसे मैंने ये 2 इंच लिया है तो अभी हम 1 इंच पे ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा 1 इंच का पैच आ जाएगा तो जो 2 इंच है तैयार में हमारा ये 2 इंच ही रहेगा। तो इसके बीचों बीच इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं और अभी ड्रॉ करते हैं। तो देखिए पहले नीचे वाले नेक को ड्रॉ करेंगे जो हमने ऊपर से 2 इंच लिया था यहाँ से। तो देखिए इस तरीके के आएगा यहाँ पे, ये इस तरीके की आप यहाँ से देखेंगे तो ये इस तरह से राउंड नेक आ जाएगा। और आप ऊपर की तरफ से देखेंगे तो जो राउंड है वो नीचे की तरफ जाएगा। अभी जो 1 इंच हमने ऊपर लिया है, 1-1 इंच पे ही मार्किंग कर लेंगे, ये पूरे आउटलाइन 1-1 इंच का कर लेते हैं। अभी जो 1-1 इंच का किया है इसको भी अभी राउंड शेप दे देते हैं। तो देखिए ये इस तरीके का नीचे तक ये पूरा आएगा हमारा और ये अंदर का तैयार में ये साइज रहेगा। तो जो हम कटिंग करने वाले हैं वो कटिंग हम यहाँ से करेंगे बाहर वाली लाइन से और फिर बाद में यहाँ से करेंगे। तो जो ये पैच रहेगा ये मैं येलो कलर का यूज़ करूँगी, आप कोई भी कलर इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए जो ड्राइंग की है सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए जो ड्राफ्ट किया था मैंने उसी ड्राफ्ट पर कट कर लिया है। तो देखिए ये हमारा नेक रहेगा, इसको निकाल देंगे तो, और देखिए ये हमारा इस तरीके का पैच आएगा। पैच के बाद ही फिर इसके ऊपर हमारी ये नेक जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल लगने वाले हैं और ये पीस मैं येलो कलर कर लूँगी। तो सबसे पहले इस ड्राफ्ट को रख के हम कैनवास और जो येलो कलर का पीस ले रहे हैं वो कट कर लेते हैं, और जो ये ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को रख के नेक पट्टी और कैनवास भी कट करेंगे। जो ऊपर का नेक है इसको आप क्रॉस कटिंग पट्टी से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कैनवास ले लिया है और जो हमारा ये ड्राफ्ट था इसको मैंने इस तरीके से तैयार कर दिया है। इसके ऊपर रख के अंदर का सेम मार्किंग पे हम कट कर लेंगे। जो बाहर है यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि जब फिनिशिंग देंगे उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी फिनिशिंग आएगी और ऊपर भी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें बाहर की साइड में और अंदर की साइड सेम रहेगा। तो देखिए ये ड्राफ्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी ड्राफ्ट को रख के मैं येलो कलर कट करूँगी। और अभी जो ब्लाउज़ का नेक है उसको कट कर लेते हैं। तो इसी कैनवास पर नेक का ड्राफ्ट भी रख लेते हैं। देखिए इस तरीके से, और अंदर का पार्ट सेम रहेगा, बाहर इसका ज़्यादा नहीं 1/2 इंच ही लेंगे। तो देखिए बोट नेक का भी इसी में ले लेते हैं, क्योंकि इसकी ओपनिंग तो यहाँ पर कट है ही, तो यहीं से हम इसको पलट देंगे और 1/2 इंच की चौड़ाई में कट कर लेंगे। तो देखिए कैनवास मैंने कट कर लिया है और अंदर का पार्ट सेम रहेगा, अब बाहर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और कट कर लेते हैं। देखिए सेम मैंने कट कर लिया है और इसको इस तरीके से जैसे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के पीसों को। और अभी पैच की कटिंग बताती हूँ। तो देखिए पैच का जो कपड़ा भी कट कर लिया, ये कैनवास भी कट हो चुका है, अभी सिलाई का तरीका बताती हूँ। तो देखिए इस पार्ट को हम इस तरीके से सीधा रख लिया है और इसके ऊपर जो अस्तर का ड्राफ्ट है इसको रख लेते हैं। और देखिए अभी हम कैनवास को रख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारे हुक आने वाले हैं तो हम यहाँ से लेके इस तरीके से इसको
पूरा नीचे तक स्टिच कर देंगे और बाद में इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर दूसरी साइड में स्टिच कर देंगे और फिर इस पैच को, दोनों साइड के पैचों को तैयार कर लेंगे। और अभी ब्लाउज़ को कैसे तैयार करना है वो बताते हैं। देखिए नीचे मैंने उल्टा ब्लाउज़ रख लिया, इसके ऊपर अस्तर रख लिया है। तो देखिए यहाँ से नेक से लेके हम पूरा इसको स्टिच कर लेंगे, जो नेक है इसको कट कर देंगे और इसी तरह से दूसरा साइड का पीस तैयार करेंगे। और जो हमने कैनवास और नेक पट्टी लिया है उससे इसकी फिनिशिंग देंगे और जो पैच लिया है उसको लगा के इसको डिज़ाइन करेंगे। अभी और ट्रायंगल देने वाले हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो पीस मैंने कट कर लिया है। तो देखिए 2 इंच चौड़ाई और लंबाई है, चौकोर पीस है। और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी और एक फोल्ड यहाँ पर कर दूँगी, तो ये इस तरीके का ट्रायंगल हमारे तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से सारे ट्रायंगल तैयार कर लेंगे। देखिए जो पैच रखा था मैंने कट किया था कपड़ा, तो देखिए सबसे नीचे जो हमने येलो कलर का कपड़ा लिया है पैच के लिए वो है, फिर इसका अस्तर है और उसके बाद ये कैनवास है। तो मैंने यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर दिया है और अभी इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद इसके किनारे पर सिलाई डाल के तैयार कर लेते हैं। इसको मैंने बाहर की तरफ भी एक सिलाई मार दी है, इसी तरह मैं दूसरा पैच भी तैयार करूँगी। इसको भी साइड में रख देते हैं। देखिए जो ये ब्लाउज़ था मैंने इसको जैसे बताया था मैंने पूरा इसको स्टिच कर लिया है, जो नेक था इसको कट कर दिया है, एक दूसरा साइड का पीस भी कट कर दिया है और जो मैंने कैनवास और ये पट्टी ली थी ये भी तैयार कर लिया था। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे आएगी, लेकिन अभी नीचे हमने यहाँ पे खुला रखा है तो यहाँ पे आप चाहें तो 2 इंच की पट्टी लगा के हुक भी लगा सकते हैं या फिर डोरी भी यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं, 2 डोरी। मैंने ये पट्टी तैयार करी है, जैसे फ्रॉक में बच्चों के लिए बेल्ट बनाते हैं सेम उसी तरह से, ऊपर से 2 इंच लिया है और नीचे आके ये 1 इंच लिया था। तो फोल्ड करके इसको स्टिच करके पलट दिया है, इस तरह की पट्टी तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पर एक ही साथ स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ले लें, नीचे खाली जो कमर में फिनिशिंग देंगे उतना ही पार्ट हम छोड़ रहे हैं और ये पट्टी के साथ ही हमारी ये पट्टी स्टिच हो जाएगी। देखिए कमर से लेके मैंने यहाँ तक पूरे नेक तक स्टिच कर दिया है, इसको अभी पलट देंगे। तो देखिए पट्टी हमारी, इसकी जो फिनिशिंग है वो अंदर की तरफ चली गई है यहाँ पर, और जो ये पार्ट है इसको भी हम पलट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से फिनिशिंग आ गई, देखिए कितनी अच्छी। और अभी हम किनारे पे सिलाई डाल के तैयार कर लेते हैं। पूरा स्टिच डाल के इसको तैयार कर लिया है। जो मैंने ट्रायंगल के लिए कपड़ा लिया था जैसे मैंने बताया था वैसे मैंने ये ट्रायंगल तैयार कर लिए हैं। और अभी हम यहाँ पर स्टिच करते हैं नेक के। तो देखिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ रखने के बाद इस तरीके से नेक में स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जो ट्रायंगल है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए जो हमने पैच तैयार है इसको नीचे रख लिया है। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे पैच को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पिन से पहले सेट कर लें और उसके बाद एक सिलाई डालेंगे तो उससे तैयार हो जाएगा। अभी जैसे हमने 1 इंच ये एक्स्ट्रा लिया था तो 1 इंच का पैच हमारा यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से आप यहाँ पर पिन, पैच भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे नॉर्मल नीचे फिनिशिंग देते हैं वैसे इस फिनिशिंग दे देंगे। ये मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है, तो जो लेस है यहाँ से और ऊपर के बोट नेक तक स्टिच कर देंगे। तो देखिए ऊपर से लेके नीचे तक मैंने लेस स्टिच कर दी है। और ये मैंने येलो कलर का ही कपड़ा लिया है, 1.5 इंच चौड़ी पट्टी, स्ट्रेट पट्टी है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे भी पाइपिंग दे देते हैं। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर नेक की फिनिशिंग है इसलिए यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। इसको इस तरीके से पलट देंगे। ये लेस भी मैंने पूरे दोनों साइडों में स्टिच कर दी है। जो ये ट्रायंगल बनाए थे यहाँ पे एक एक मैंने मोती लगा दिया है। और जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग थी तो यहाँ पर मैंने 2 हुक लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हुक लगने के बाद इस तरीके का लुक आएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ये रस्सी बना दी है, आप चाहें तो एक और रस्सी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पहनने के बाद इसका लुक कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।